हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज, माय सेल्फ खुशबू सिंह। और आज की वीडियो में हम बॉर्डर वाली साड़ी को इस तरीके से ड्रेप करने का तरीका सीखेंगे जो कि मैंने अपनी किसी भी प्रीवियस वीडियो में आपको नहीं दिखलाया है। तो आई होप आप इस नई टेक्निक को इंजॉय करोगे। तो अगर आप बिगनर हो, पहली बार साड़ी पहनने जा रहे हो, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें ना ध्यान में रखनी चाहिए जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साड़ी की जो लेंथ है वो 6.3 मीटर की है, जो कि नॉर्मल साड़ी की लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बता दूँ वो बेसिक चीज़ें, जैसे कि जब आप साड़ी को खोल रहे हो पहनने के लिए ना, तो आप अपनी पल्लू को अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर की तरफ कर दीजिए। लेफ़्ट साइड आपको अगर नहीं पता चलता है तो आप अपने कंधे पे उल्टा पल्ला जिस कंधे पे लेते हो वो आपका लेफ़्ट साइड है। अब हम साड़ी के दूसरे एंड को अपनी राइट साइड से टक करना शुरू करेंगे। लेंथ नीचे की तरफ हम उतनी ही रखेंगे जितने में चलने फिरने के लिए हम कंफर्टेबल रहें। अब यहाँ पे जितना लेंथ हमें फोल्ड करना है ना, उसको हम पहले ही फोल्ड कर लेंगे और फिर अपनी राइट साइड से सिर्फ अपने राइट हैंड का अंगूठा का इस्तेमाल करते हुए हम इस लेंथ को अंदर की तरफ टक करेंगे। तो ऐसे करते हुए हम अपनी इस बेसिक राउंड को कंप्लीट कर देंगे। अब जो बिगनर हैं उनको मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप पहली बार साड़ी पहन रहे हो ना, तो आप खास ध्यान रखिए अपनी इस बेसिक राउंड पे, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी साड़ी का ये एक बेस है। अगर ये ठीक से नहीं होगा तो आपकी जो भी ड्रेपिंग मान लो आगे चलकर अच्छी भी होगी ना, तो वो अच्छी नहीं दिखेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमें अपनी पल्लू को इस तरीके से रफली गैदर करना है और फिर अपनी दूसरे हैंड में इसको ट्रांसफ़र करते हुए इसके ऊपर वाले बॉर्डर को पकड़ते हुए हमें इसको दूसरी तरफ बाहर की तरफ निकालना है। अब यहाँ पे आपको जितना लेंथ रखना है अपने शोल्डर पे, वो आप यहाँ पे पहले ही मेज़र कर लीजिए। आज की वीडियो में हम अपनी कंधे वाली प्लीट को सबसे पहले नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम बस एक ना पेग लगा देंगे, कपड़े सुखाने वाली इस क्लिप को लगा देंगे, ताकि आगे की जो स्टेप्स हैं हमारी वो यहाँ पे बाधा ना पड़े। अब इस बॉर्डर को यहाँ पे टाइट करते हुए हम अपनी कमर के पास लेकर जाएंगे। कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है ना, बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट जो रहता है वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं मिलता है। तो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले तो स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि कई लोग ना आपको अपनी ट्यूटोरियल में बताते हैं कि इस तरीके से बॉर्डर को आप ले आइए अपनी नेवल के पास, फिर यहाँ पर आप एक पिन लगा दीजिए और उसके बाद जो आपका नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ से आप छोटे छोटे से स्टेप्स उठाइए, प्लीट्स उठाइए और इसको टक कर दीजिए। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे भी साड़ी पहनी है, ये जो तरीका है ना वो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो कमर वाला हिस्सा है वो ढीला पड़ जाता है, या फिर आप जब अपनी सेंटर प्लीट बनाओगे ना, तो उसी में पता नहीं कब ये हिस्सा आपका खुल कर उसी में ऐड हो जाता है। तो ये ट्रिक मैं आपको कभी भी आजमाने को नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है नहीं। स्पेशली कॉटन सिल्क या सिल्क, बनारसी सिल्क, कांजीवरम सिल्क, ऐसी साड़ियों के लिए तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो आप ऐसी ट्रिक्स मत यूज़ कीजिए। इसकी जगह पे आप क्या कर सकती हैं, जब आप पिन लगा ही रहे हो तो क्यों ना आप अच्छी तरीके से एक ही पिन पर पूरी की पूरी ये हिप प्लीट को आप अच्छे से होल्ड कर लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बॉर्डर को हम कमर के पास लेकर आएंगे और यहाँ पे ना हम अपनी नेवल नहीं बल्कि नेवल को क्रॉस करते हुए राइट साइड की लेग की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे हम केवल अपनी राइट हैंड से ही अपनी उंगलियों के सपोर्ट से छोटे छोटे से प्लीट्स उठाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी दोनों हाथें यूज़ करने की, आप यहाँ पे सिर्फ अपनी फिंगर टिप का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जो बिगनर्स हैं, जो सोचते हैं कि साड़ी पहनना रॉकेट साइंस है, तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक ही ट्यूटोरियल को देखोगे ना, उसमें अगर आपको सारी चीज़ें सेटिस्फाइंग लगती हैं, तो आप उसी बेस पे चलिए और उसी को फॉलो कीजिए। मैं नहीं बोलूँगी कि आप सैकड़ों ट्यूटोरियल देखें और उसमें आप हर एक ट्रिक को यूज़ कीजिए, ऐसे में आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपको ये चीज़ें रॉकेट साइंस लगेंगी।
तो इसीलिए सेटिस्फाइंग कोई भी ट्यूटोरियल आप यूज़ कीजिए, मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ मेरी ट्यूटोरियल ही देखिए, अगर ये आपको सेटिस्फाइंग लग रही है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ कोशिश की है आपके तौर तरीके से बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अब देखिए, हमने जब यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगाई ही है तो इसी एक सेफ्टी पिन पे हमने सब कुछ होल्ड कर दिया है। अब हमें बनाना है अपना सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना कि राइट से थोड़ा सा, आप देख सकते हो ये एक उंगली बराबर थोड़ा सा लेंथ छोड़कर फिर हमें आगे से प्लीट अरेंज करना शुरू करना है। और ऐसा नहीं है कि प्लीट बनाने के लिए आपको अपनी उंगलियों को मोड़ना है, इस तरीके से वैसे घुमाना, बिल्कुल भी नहीं। आप बस अपने टमी का सपोर्ट लीजिए, अपनी उंगलियों को जितना दूर तक हो सके फैलाइए और फिर जितनी चौड़ी आपकी प्लीट्स बन रही है आप उतनी चौड़ाई में ही रुके रहिए। क्योंकि अगर आपकी, मान लीजिए सेंटर प्लीट बनाने के लिए कपड़ा ज़्यादा लॉन्ग बच गया है, तो यहाँ पे अगर आप पतली पतली प्लीट्स बनाओगे ना तो आपकी इकट्ठा प्लीट जो बनेगी वो काफ़ी मोटी हो जाएगी, जिसको कि आप अगर टक करोगे तो फिर पेट के पास जाकर वो फूल जाएगा। अब यहाँ पे हमने अपनी राइट की फर्स्ट प्लीट को ना चौड़ा कर दिया है। इसके साथ ही साथ हमें हर एक प्लीट के बीच में एक गैप रखना है और प्लीट के सिर्फ आगे के हिस्से को पकड़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें इसके पीछे वाले हिस्से को भी पकड़ना है ताकि कोई भी प्लीट ना तो ज़्यादा बाहर की तरफ दिखे और ना ही ज़्यादा अंदर की तरफ छिपी हुई रहे। जितनी भी प्लीट्स हमने बनाई हैं वो एक बराबर से रहे और अच्छे से विजिबल हों। अब जब आपका ये स्टेप अच्छे से पूरा हो जाता है तो इसको होल्ड करने के लिए आप दोनों ही साइड पे क्लिप लगा लीजिए। अभी देखिए, हमने सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को ही समेटा हुआ है, नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है ना वो अभी भी अच्छे से अरेंज नहीं है। आप खुद देख सकते हो बॉर्डर तक, एंड वाली जो बॉर्डर है हमारी वो बिल्कुल बिखरी हुई है। तो इसको समेटने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे लेंथ में हम इसको पकड़ते हुए चलेंगे और ऐसे ही पकड़ते हुए और हाथों से प्रेस करते हुए हम एंड की बॉर्डर तक पहुंचेंगे। पूरी बॉर्डर को हम घुमा देंगे अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ एंड देन नीचे की तरफ धीरे धीरे करके सरका देंगे। अब जो लेंथ हमारी बेसिक राउंड से मैच हो रही है उस लेंथ को मैच करते हुए ऊपर वाले एक्स्ट्रा हिस्से को हम अंदर की तरफ टक कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई सी भी डाउट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे स्टेप जो है वो मिस हो गया है या हमसे ठीक से नहीं बन पाया है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और मेरे साथ ही साड़ी को ड्रेप करना शुरू कीजिए। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट लास्ट स्टेप है। हालांकि ये स्टेप मैं अपनी रेगुलर वीडियोस में सबसे पहले करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी बॉर्डर वाली साड़ी के साथ थोड़ा बहुत ना एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये जो बॉर्डर वाला है अपना शोल्डर प्लीट, उसको मैं लास्ट में इस तरीके से सेट करूँगी। सबसे पहले तो हमें ऊपर वाला बॉर्डर इस तरीके से अपने फ्रंट पे रखना है और बिल्कुल कॉर्नर पे एक पिन लगा देना है। अगर ये पिन हम अपनी लेफ़्ट साइड की चेस्ट के ऊपर लगाते हैं तो हमारा जो चेस्ट होगा ना वो अच्छे से कवर नहीं होगा, तो इसीलिए पूरा हिस्सा कवर कैसे करना है उसको भी ध्यान रखना है आपको, और फिर पिन आपको जहाँ पे रिक्वायर हो रही है आप वहाँ पे पिन लगाइए। अब प्लीट अरेंज करने के लिए आपको अपना ये ऊपर और नीचे वाली बॉर्डर को पकड़ना है। अब ऊपर वाला जो बॉर्डर है इसको मैं एक तरफ ना हल्के अपने हाथ से दबा दे रही हूँ और ये जो नीचे वाली बॉर्डर है यहाँ से शुरू करूंगी मैं प्लीट अरेंज करना। तो देखिए, इस प्लीट का जो डायरेक्शन होगा वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा क्योंकि ये सबसे नीचे वाला बॉर्डर है। अब अगर आप पूछोगे यहाँ पे ये क्वेश्चन कि हम इसी डायरेक्शन में क्यों इसको घुमाएंगे, तो देखिए जो इंडियन साड़ी होती है ना उसकी प्लीट्स इसी तरीके से ही बनती है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि प्लीट्स बनाते बनाते एंड में हमें पता चलता है कि साड़ी की जो
कई बार हम दोष देते हैं कि साड़ी की चौड़ाई कम है या फिर हमने प्लीट्स सही से नहीं बनाई है सही चौड़ाई पे, तो हम क्या करते हैं कि प्लीट्स को चौड़ा कर देते हैं। नहीं, आपको प्लीट्स दोबारा से खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एंड में प्लीट बनाओगे ना, उसकी चौड़ाई आप बाकी सारे प्लीट की चौड़ाई से कम कर दीजिए, तो फिर आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी यहाँ पर ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब धीरे धीरे करके हम उसी तरीके से उठाएंगे यहाँ पे प्लीट्स। आप ये मत सोचिए कि हमने अपने बॉर्डर को पहले ही यहाँ कंधे के पास सेट कर रखा है, वो आपकी बाधा नहीं डलेगी। आपको बस धीरे धीरे से लेंथ उठानी है और इस तरीके से आपको अपने कंधे पे डाल देना है। चलिए, तो प्लीट्स बन गई अच्छे से, कंधे तक ये पहुंच भी गई है, तो अब हम इसको एक सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। सिक्योर कहाँ पे करना है, कौन सा प्लेस है, वो आपके हैंड की लेंथ पे डिपेंड करेगा। आप कहाँ जितना दूर तक पीछे जाता है आप वहाँ पे पिन यूज़ कर सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पे ही आप चाहो तो अपनी साड़ी की ड्रेपिंग को एंड कर सकते हो, लेकिन आपको एक आकर्षक लुक चाहिए बॉर्डर वाली साड़ी में, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक और सेफ्टी पिन यूज़ कीजिए। आपको ये पिन वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी बॉर्डर को सेट किया था, तो यहाँ तक आपको अपनी प्लीट संवारनी है और फिर ये जो बॉर्डर है ना, इसको बिल्कुल सीधा रखना है आपको इस तरीके से। अब जहाँ पे हमें पिन लगानी है वहाँ पे तो ब्लाउज़ के अंदर से पिन लगाना पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला बॉर्डर को इस तरीके से उठाएंगे और बिल्कुल इसकी एंड पे ये पिन हम लगा देंगे। आराम से लगाइएगा, हल्के से, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा वरना पिन आपको चुभ सकती है। तो लीजिए, हमारी ड्रेपिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसको आप और भी ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए आप कोई सी भी वेस्ट चेन यूज़ कर सकती हैं, थोड़ी सी ज्वेलरीज, चूड़ियाँ, ये सभी यूज़ कर लीजिए, एंड देन दिस इज़ योर फाइनल लुक। सो आई होप आज की जो ये स्टेप्स हैं वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। और कौन कौन ऐसी स्टेप्स यूज़ करना चाहती हैं, ऐसे मैं आपको बता दूं, इस साड़ी ड्रेपिंग का नाम है फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल, जो कि बॉर्डर वाली साड़ी के लिए ही स्पेशली बनी है, और इसमें आपका फिगर बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगने वाला है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और अगर आप ऐसी साड़ी पहनती हैं तो आप अपनी फोटोज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकती हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को आप हिट कर सकती हैं, और ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकती हैं। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।